हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पाइप कैपेसिटी क्या है और उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज हम ओपन एंड एंड क्लोज एंड ड्रिल पाइप डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। ओपन एंड ड्रिल पाइप डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इक्वल द मेटालिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रिल पाइप। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इसमें मेटालिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेते हैं। मेटालिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब ड्रिल पाइप का जो थिकनेस है वो, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन वाला, ये पाइप का थिकनेस है। अगर हम पुल आउट ऑफ होल करते हैं तो उसका लेंथ के हिसाब से जो वॉल्यूम बनता है उतना ही हमें रिक्वायर होता है होल को फिर करने के लिए। और रन इन होल में इसके मेटालिक डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमारे पास जो रिटर्न आता है, तो हम उस रिटर्न के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कोई लॉस वगैरह तो नहीं। तो ओपन एंड ड्रिल पाइप डिस्प्लेसमेंट को हम इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं, ओ डी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 10^29.4 बैरल पर फीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ड्रिल पाइप है उसकी ओ डी 5 इंच है, आई डी उसकी 4 इंच है और टोटल लेंथ उसका 28 फीट है। ओ डी का मतलब ड्रिल पाइप का आउटसाइड डायमीटर, ये रेड वाला आपको नज़र आ रहा है, ये आउटसाइड डायमीटर, और आई डी का मतलब ड्रिल पाइप का इनसाइड डायमीटर। तो अगर ये वैल्यू हम फार्मूले में पुट करते हैं तो 5² - 4² / 10^29.4, तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आता है 0.0087 बैरल पर फीट। तो ये पर फीट में आएगा। तो अगर हम 0.0087 को टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.2436 बैरल आ जाएगा। क्लोज इन डिस्प्लेसमेंट मीन द क्लोज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द आउटर डायमीटर ऑफ पाइप। इसका मतलब ये है कि क्लोज इन डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ ड्रिल पाइप का आउटसाइड डायमीटर लेते हैं। इसको हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला ये फार्मूला है हमारे पास, ओ डी स्क्वायर डिवाइड बाई 10^29.4 बैरल पर फीट। दूसरा हमारे पास, पहले हम मेटालिक डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे और पाइप का इनसाइड कैपेसिटी मालूम करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ओ डी स्क्वायर डिवाइड बाई 10^29.4। तो लेट सपोज अगर हमारे पास एक ड्रिल पाइप है उसकी ओ डी 5 इंच है, तो अगर ये फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करते हैं 5² / 10^29.4, तो इससे जो आंसर आएगा वो 0.242 बैरल पर फीट में होगा। तो अगर इसको हम टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो हमारे पास आएगा वो बैरल में फिर आ जाएगा।